ये सिस्टम इस मुल्क को कभी संवरने नहीं देगा। तब्दीली की ख्वाहिशमंद हर कुव्वत और हर फर्द का फर्ज है कि वो इस पीसफुल रेवोल्यूशन में साथ दें। मेरा एजेंडा नेशन बिल्डिंग है, इस कौम को रोशन मुस्तकबिल का दिखाना है, इस कौम को एजुकेट करना है, इस कौम के साथ क्या निज़ाम, कौन सा निज़ाम इस मुल्क की बका का बायस है और कौन सा नहीं, इससे आगाह करना है, उनके शऊर को बेदार करना है हुकूक के लिए। मैं आने वाले इलेक्शन का नहीं सोचता, मैं अगली नस्लों का सोचता हूँ, अगले मुस्तकबिल का सोचता हूँ, मेरी वो जान। इस इंतखाब से कोई तब्दीली नहीं आएगी, मोटे कलम से लिख के दे आए, मेरे दस्तखत करके दे आए। आज 11 मई की शाम लोग रोएंगे, शाम तक कई चीखेंगे, कल तक चीखें और बढ़ेंगी और एक महीने मई के एंड तक सारी कौम चीखेगी और टीवी चैनल बोलेंगे कि जो मैंने कहा था आपने कहा था वही सच है। ताहिर उल कादरी कहते थे कि इलेक्शन के जरिए तब्दीली नहीं आ सकती, हम ये समझते थे कि इलेक्शन के जरिए तब्दीली आएगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि स्पीकर साहब, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, मैं समझता हूं कि ताहिर उल कादरी ठीक कह रहे थे। अवाम उठे, बाहर निकलें, ये मुल्क को लूट कर खा जाएंगे, आप निकलेंगे तो मुल्क बचेगा, आप और हम बचेंगे और हमारी आइंदा नस्लें बचेंगी और रियासत पाकिस्तान बचेगी।